सो गाइस, आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग एक कप के करीब गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल। तो इस तरह से मैंने इसमें लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम हाथों की हेल्प से इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बना लेंगे। हमें इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका डो बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे कवर कर लगभग 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लगभग 15 मिनट भी हो चुके हैं और हमारा आटा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से इसकी लुहिया बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसकी 4 लुहिया बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह से इसके बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। अब हम इसमें से एक लुही लेंगे और इसे आटे में डिप कर इसे एकदम पतला पतला बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे आटे में डिप कर लिया है। अब हम इसे एकदम अच्छी तरीके से बेल लेंगे। हमें इसे एकदम हल्के हाथों से बेलना है और इसे एकदम पतला बेलना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से बेल लिया है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल कर ऐड करने के बाद हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से इसे फैला लेंगे। इस तरह से मैंने रोटी के हर तरफ ऑयल को लगा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 छोटे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसमें क्रंच आएगा। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर हल्के हाथों से बेलन लगा लेंगे, इससे ही एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और वापस से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे एकदम अच्छे से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसे बेलना है। हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे एकदम ट्रायंगल वाले शेप में इसे बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं, हमारा मसाले वाला पराठा बनकर रेडी हो चुका है। साइड में हमारा पैन भी एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस तरह से इसमें पराठा डाल देंगे और साइड से हम इसमें इस तरह से तेल डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, चम्मच की हेल्प से इससे मैंने इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे उलटते पलटते दोनों साइड से एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, कुछ ही टाइम में ये एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसे कलर भी कितना बेहतरीन आया है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इन सारे पराठों को एक थाली में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं, इसे कलर कितना बेहतरीन आया है और देखने में भी उतना ही टैम्पटिंग लग रहा है।
और है एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।